हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, जो पहला ही अपराध हम चर्चा कर रहे थे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भक्तों की आराधना करते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको लास्ट जन्माष्टमी से पहले जो हमने जपा टॉक दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए भक्तों के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका आराधना करते हैं। तो ये चैतन्य भागवत से है ये प्रसंग। तो बताते हैं कि इस जो ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस लीला में चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार हृदय को अगर दूसरे भक्तों के प्रति अपराध करने के मुख्य एक्चुअली क्या होता है कि किस प्रकार मेन रीजन होता है ईर्ष्या। तो किस प्रकार हम हृदय को दूसरों के प्रति अपराध करने का जो मुख्य कारण होता है ईर्ष्या, उससे कैसे मुक्त करें और कैसे सदा विनम्रता पूर्वक भक्तों की सेवा करें और स्वयं को भगवान के दास के दास के दास के रूप में जो है माने, इस लीला से पता लगेगा। तो इसका वर्णन आता है ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गया में उन्होंने ईश्वरपुरी से, ये जब संन्यास बेसिकली दीक्षा लेने से पहले का है, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया है ना, और उसके बाद वो वापिस जो है मायापुर लौटे। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक विद्वान पंडित का रोल निभाए, पंडित बोलते थे, पंडित का रोल निभाते थे। तो उस समय उन्होंने ज्यादा भक्ति प्रदर्शित नहीं किया था, तो बहुत सारे भक्त उनसे दूर रहते थे, इच्छा भी करते थे कि ये भक्त बन जाए जल्दी। जैसे ही वो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वो जो है अपना विद्वता के कारण जो घमंड था और अभिमान था उसको छोड़ देते हैं और केवल कृष्ण प्रेम का आस्वादन है ना करते हैं, मतलब और सबके सबके प्रति सच्ची विनम्रता और सम्मान भाव दर्शाते थे। बदल गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो परिवर्तन देखा अद्वैत आचार्य जी ने, श्रीवास ठाकुर ने और अन्य जो वरिष्ठ वैष्णव थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया चैतन्य महाप्रभु को, तुमको विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति हुआ। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही भगवान है लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखा रहे हैं लीला करके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। जब बताया गया है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण के भक्त हैं और आप में किसी को भी भक्ति का दान देने की शक्ति है। एक भजन में बोलते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धावी तब पाछे पाछे, है ना, अवे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। तो है ना भगवान की भक्ति भगवान नहीं दे सकते हैं, उसका जो राइट है वो डिवोटीज के पास। तो भगवान की भक्ति जो प्रदान करते हैं भक्त प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं खुद भगवान हैं लेकिन भक्त के रूप में, इसलिए बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप अद्वैत आचार्य जी, श्रीवास ठाकुर, अन्य वरिष्ठ वैष्णवों को बोल रहे हैं, बोले आप कृपा कीजिए, आप में भक्ति देने का शक्ति है, जो भी आपकी सेवा करेगा वह निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि कृष्ण उस व्यक्ति के प्रति बहुत कृपालु होते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करता है। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, देखिए आप खुद अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक सब भक्तों की सेवा करने लगे। और क्या सेवा किया ये देखिए, भगवान चैतन्य ने उनके वस्त्र धोए, उनकी धोतियों की तह लगाई, आदर पूर्वक अपने हाथ जोड़ा चैतन्य महाप्रभु ने उनके, मतलब वस्त्र कपड़े धो दिए, वस्त्र धोए है ना, धोतियों को अच्छे से फोल्ड किया और अपने जो है अपने हाथ जोड़कर उन सब भक्तों को सम्मानित किया। और ऐसा उनको कोई इंसल्ट फील नहीं हो रहा था है ना ये करने में, अरे मैं तो भगवान हूँ मेरा इमेज खराब हो जाएगा भक्तों का सेवा करूंगा तो नहीं। तो वास्तव में तो जितने भक्त थे सब उन्हीं के सेवक हैं, लेकिन भगवान और सारे भक्त लोग, कोई अगर वरिष्ठ डिवोटी होता है अगर उसके कोई सेवा करता है तो उसको बड़ा लज्जा का अनुभव होता है, मतलब कोई अगर जूनियर डिवोटी उसकी सेवा कोई सीनियर डिवोटी कर रहा है तो उसको बड़ा लज्जा का अनुभव होता है। तो वो सब रोकने का प्रयास कर रहे थे है ना, लेकिन क्या हुआ कि रोक ही नहीं पा रहे थे कि चेतन, तो है ना ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु रोज अपने जो है सेवकों की सेवा करते थे और उन्होंने ऐसे इस प्रकार से सेवा, और वो मतलब देखिए भक्तों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रकृति का भी त्याग कर दिया।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि जो भी भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहता है उसे सर्वप्रथम कृष्ण के प्रिय साधु भक्तों की आराधना करनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर अपना चैंटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो है वैष्णव के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है ना। और आज शिला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे भी है, तो एक बहुत सुंदर भजन परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने कंपोज किया, यदि प्रभुपाद ना हुए थे, तो भजन को आप गा सकते हैं, समनन कर सकते हैं। वास्तव में तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमारे चैंटिंग में कितना पावर है हम सब जानते हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भगवत धाम जाओगे। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने आसान कर दिया, मान लीजिए 64 माला बोलते तो रेगुलर करना, कुछ भक्ति कर पाते है ना, जैसे प्रभुपाद जी ने पहले बोला भी था। लेकिन प्रभुपाद जी की स्पेशल मर्सी है, अब इसको मर्सी बोलेंगे एक तरीके से, दूसरे दृष्टि से तो और भी कुछ विचार किया जा सकता है। लेकिन तो ये जो है आज प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे चैतन्य महापुरुष से सीख सकते हैं तो वैष्णव अपराध होने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखें। और जो है तो ये हमारा फर्स्ट वाला अपराध जो है वो कवर अप हो गया है, अभी हम कल से दूसरे अपराध पे चर्चा करेंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।